अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 12 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है गैर मुस्लिम तावीज़ और झाड़ फूंक वाले। रियासत कर्नाटक में ये लोग पकड़े गए हैं। मसला ये नहीं कि ये तावीज़ बना रहे थे, मसला ये है कि ये गैर मुस्लिम हैं। अपनी पहचान और अपनी शनाख्त को छुपाकर मुसलमानों का हुलिया बनाकर और मुस्लिम नाम रख कर वहाँ तावीज़ बना रहे थे। ये धार्मिक मजहबी तौर से भी जुर्म है और मुल्क के कानून के एतबार से भी जुर्म है कि अपनी पहचान छुपाई है। किसी मामले में शुबा हो गया तो लोगों ने इनको पकड़ा। इनके नाम क्या हैं, क्या नाम इन्होंने रख रखे थे, इस बारे में आप एक पूरी वीडियो हमारे हाथ लगी है जो कर्नाटक से हमें खतीब माजिद खान ने भेजी है। उस पूरी वीडियो को आप देखें और सुनें और अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह ये लोग मुल्क की सतह पर धोखा दे रहे हैं। रिकॉर्ड अच्छा होता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये देखिए हजरात, पूरी कौम को आगाह किया जाता है इस बात से कि ये हिंदू मज़हब के लोग, आरएसएस वाले हों या बीजेपी वाले हों या कोई और इनका पार्टी हो, ये तो पता नहीं है, ये मुसलमान बन कर के तावीज़ पलीते लेकर के कुरान और हदीस की बात करते हुए, मुर्शद बन कर के ख़ुद को मुसलमान बताते हुए ये लोग गांव-गांव दरबदर फिरते हैं और औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसा वगैरह, राशन वगैरह बेवकूफ़ बना के लेते हैं। और असल इनका मज़हब काफिर है, ये हिंदू हैं, मगर ये नाम को ख़ुद को मुसलमान बनाते हैं और बताते हैं और अपना घर भी मुसलमान बताते हैं। ना इनके पास आई डी कार्ड है, ना आधार है, ना राशन है, बल्कि इनका असल हिंदू धर्म है। ये मुसलमान बन करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बताते हैं। और इनका नाम क्या, नाम बोलो जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन आपके अब्बा का नाम? उज्जवास। अब्बा का नाम गुड़प्पा। गुड़प्पा यहाँ क्या नाम बोलते थे? यहाँ पे सिकंदर बोलते। अब्बा का नाम क्या बोलते थे? गुलाब शाह कादरी। गुलाब शाह, देखो ये गुलाब शाह और सिकंदर बोलता है, इसका नाम अर्जुन है। और ये क्या नाम तुम्हारा? अर्जुन। यहाँ क्या नाम बोलते थे? इधर सलीम बोलते थे। सलीम बोलते थे। अब्बा का नाम क्या है? राजू है। राजू, हाँ। तुम्हारा नाम क्या? आनंद। आनंद है। अब्बा का? अशोक। और पहले क्या बोलते थे? मुन्ना। मुन्ना। अब्बा का नाम क्या बोलते थे? गुलाब। गुलाब, पहले मुन्ना मुन्ना और गुलाब बोलते थे और अब अशोक बताता है। और क्या नाम अपना? आनंद। आनंद बताता है। ये देखिए, पूरी कौम के लिए एक सबक है। हमारी कौम में आकर के हमारा लिबास पहन करके, अमामा और हरी टोपी पगड़ी बांध करके और ये तावीज़ पलीते वगैरह लेकर के हमारी औरतों को और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ऐसे मुसलमानों से आप होशियार रहिएगा। अभी बताओ, अभी आए आप लोग, 4 महीने हो गया ना? सही सही बताना, ठीक है? अभी देखो कितना हो गया, अभी इससे बच नहीं सकते आप, ठीक है? बच सकते क्या? नहीं ना, अभी तो हो गया सारा कुछ। अभी आप बस इससे बचना है, आपके कोई हाथ रखे, ठीक है, आपको कोई छाटा लगाए, इसे आपको बचना है बस, बाकी सब हो गया। अभी सच सच बताओ, आप लोग कितने बंदे हो? हाँ, सब डाले, सब डाले। छः सात बंदे यहाँ नहीं है, मगर वो नहीं हसन में है। जहाँ कहीं भी है, दूर दूर से आते हैं हम, जहाँ कहीं भी है, कर्नाटक के अंदर भी है, जहाँ भी है, आप लोग एक साथ में हैं। आप लोग आपस में बात करते हैं, टेलीफोन करते हैं आपस में, आप कहाँ पे, आप कहाँ पे, आप बताते हैं, वो कहाँ पे, वो बताएगा। लेकिन कितने बंदे हैं आप लोग? 6-7 नहीं है, हमें पता है, पता चल गया। बस मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करो, हजरत सही बता रहा हूँ, ठीक है? कितने हैं? 6-7 बंदे हैं। 7 बंदे, 7 पक्का। 7 मतलब 3 आप लोग हैं, एक इसका बाप है, इसका बाप है, उसका बाप है, एक इसका भाई है। अच्छा, मतलब इसका बाप है। क्या नाम है आपका? राजू। हमारा भाई का नाम क्या है? भाई का नाम क्या है? करण। करण वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे? असन में है। उससे पूछता है तो वो जवाब देगा, आप नहीं देगा। कहाँ पे वो? असन तरफ। असन तरफ है, चल ठीक है। 2 मतलब 3 आप लोग और तेरा बाप और तेरा भाई, 5 हो गया। और फिर बाकी किसका बाप? तेरा बाप है। क्या नाम है उसका? अशोक बोले। अशोक। अशोक वो किधर है? ये भी वो असन में। असन में से, चल ठीक है, हो गया 6 हो गया। बाकी बोले, बाकी का एक और एक बंदा है, वो उसके बाप दूर हैं। अच्छा।